हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन, जिसको मैं एवरी वीक मैंने वीक में एक अपना वेडनेसडे फिक्स रखा हुआ है कि मैं हर वेडनेसडे को अपनी फेस की प्रॉपर केयर करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ। आप देखिए मेरी स्किन की इस वक्त क्या हालत है, मेरे लिप्स प्रॉपर चैप्ड हो रखे हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ईजी पीजी है, स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पार्लर जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे मैंने ये एक शावर रखा हुआ है, क्योंकि स्किन केयर करते वक्त ना मैं आपके साथ शूट कर रही थी तो बार बार मैं उठ के सिंक पे नहीं जा सकती थी वॉश करने के लिए, तो मैंने यहीं पे अपने पास एक शावर रख लिया था। सबसे पहले मैंने अपना सिंपल का फेस वॉश लिया टू यूज एज अ क्लींजर। ओके, एंड क्लींजर बहुत जरूरी है, चाहे हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्क्रब करने वाले हैं बट क्लींजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे नॉर्मली जो हम फेस वॉश करते हैं ना, उसमें हम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट तक लगाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। बट जो वीकली हमें एक बार बहुत अच्छे से 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट लगा के अच्छे से अपना फेस को क्लींस करना चाहिए। एंड उस दिन जब आप वीकली स्किन केयर करो तो आपको अच्छे से अपनी नेक भी कवर करनी चाहिए। देखिए मैं बहुत अच्छे से अपनी नेक कवर करती हूँ अपनी आइज पे। बहुत से लोग कहते हैं कि आइज के ऊपर आपको फेस वॉश नहीं लगाना चाहिए, देखिए वो भी हमारे फेस का एक पार्ट है, उसके ऊपर भी सेम डिटो तरीके से ही डस्ट जाती है जैसे हमारे पूरे फेस पे जाती है ना, तो बहुत जरूरी है। बस आपको बचा के करना चाहिए कि आपको अपनी पलकों के बिल्कुल पास में नहीं करना है। अभी मैं इसको वाटर स्प्रे करके अपने टी शर्ट के साथ में पानी को पहुंच रही हूँ। देखिए बहुत से लोग अब मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आप टी शर्ट क्यों यूज़ कर रहे हो, आपके फेस पे जितनी जितनी भी इन्फेक्शन होती है, पिंपल होते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, उनमें से 80% प्रॉब्लम्स का रीज़न होता है आपका टॉवल जो आप यूज़ करते हो। या तो उसके क्लोथ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं रहता है टॉवल, या फिर उसमें इन्फेक्शंस होती हैं, वो इतना सॉफ्ट भी नहीं होता है मटेरियल। तो बेस्ट वे ये है कि आपकी कोई भी कॉटन की टी शर्ट जो आपने यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है, जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका वो क्लोथ है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसको आप अपने फेस के लिए यूज़ करें, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये गुड वाइब्स का स्क्रब लिया है। ओ माई गॉड, दिस स्क्रब इज़ सो गुड। अगर आपका फेस जो है वो हैवी जो पार्टिकल्स वाले स्क्रब नहीं आपके फेस पे सूट करते हैं ना, तो आप ये एक बार ट्राई करके देखिए, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे देख के कि इतना माइल्ड है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और स्क्रब को मैंने अच्छे से यूज़ किया है एंड आफ्टर दैट मैंने रिमूव कर दिया स्क्रब को एंड वॉश कर लिया अपने फेस को। एंड स्क्रबिंग के बाद अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़रूरी है लगाना, वीक में आपको एक बार लगाना चाहिए, आपकी स्किन इससे काफ़ी सूट हो जाती है। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का टिप्सी लिप स्क्रब एंड बाम यूज़ कर रही हूँ। स्क्रब आपको वीक में 2 बार एटलीस्ट करना चाहिए अपनी लिप्स को, आपको 2 बार नहीं टाइम मिल रहा तो आपको वंस अ वीक तो ज़रूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्क्रब करने से ना हमारे लिप्स के ऊपर से डेड स्किन है जो वो रिमूव हो जाती है। देखिए अच्छे से हम मसाज करेंगे, काफ़ी इसका स्वीटी स्वीटी सा फ्लेवर था, बहुत अच्छा है ये, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ 1 से 1.5 महीने से। देखिए मेरे लिप्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं लिप बाम लगाने के बाद, कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमने जो एलोवेरा जेल अप्लाई किया है, इस जेल को अच्छे से मैं मसाज करूँगी एंड मसाज करने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात आज एक बताना चाहूँगी स्किन केयर के लिए, कि स्किन केयर आपको करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है ना कि अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे तो आपका जो स्किन टोन है वो डल होता जाएगा, आपके जो फेस पे ब्लैक हेड्स बढ़ते जाएंगे और वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप रिजल्ट देखिए, सिर्फ 2 स्टेप के साथ में एक फेशियल जितना ग्लो और क्लीनिंग मेरे फेस पे आ गई है, सो आई एम सो हैप्पी, आप देख ही सकते हो। एट द एंड आप कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हो, मैं रोटेट करती रहती हूँ मास्क को। इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का ही मास्क, ये पील ऑफ मास्क है, गोल्ड मास्क है, इसको मैं अप्लाई करेंगे और इसको उतारने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड नोज़ एरिया पे मैं ये चारकोल वाला अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स हल्के से रह गए थे, इसको रिमूव करने से ऐसे आड़े टेढ़े मुँह बना के ना मुझे बहुत मज़ा आता है मास्क लगाने के बाद। ये सब लोग करते हैं, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए, आई एम द लविंग दिस। एंड आफ्टर दैट देखिए इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, एंड रिमूव कर
करने के बाद मैं अपनी जो नॉर्मल डेली स्किन केयर करती हूँ वो स्किन केयर करूँगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एक्चुअली अभी मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो वेट लॉस की वजह से, एक अच्छी डाइट लेने की वजह से भी मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो रखी है। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था प्रेगनेंसी के बाद में। अभी मैंने 10 kg लूज़ कर लिया है और मुझे अभी और 20 kg लूज़ करना है। और रिजल्ट देखिए आप मेरे फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट है। दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, आपको क्लियर रिजल्ट दिख रहा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं हर 15 दिन बाद अपनी स्किन केयर रूटीन ऐसे ही शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।